बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हाँ तुम सारे ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। जिदा कि तुम सारे भी पता वा कि कोविड का जोर चल रहा वा इंडिया के बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है कोविड की वजह तो, पाकिस्तान भी डेली बहुत ज़्यादा केसिस आ रहे हैं। तो पाकिस्तान कोविड की जी वैक्सीनिंग भी हो रही है, 50 एज तो उपर जे शख्स उन्होंने हो रही है वैक्सीनिंग। वाला साहब वास्ते भी अप्लाई किया वैक्सीन वास्ते, अज उन्होंने रिप्लाई आ गया वा तो वाला साहब की भी वैक्सीनिंग करान जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर होएगा। वीडियो दे एंड तक जरूर देखियो, आप वैक्सीनिंग करवाने वाले साहब की नाले देखा वाले साहब को तसरात पूछा वैक्सीन लगाने तो बाद महसूस कर रहे। अक्सर लोगों को पता होना वैक्सीन वास्ते कितना अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर जिन्हों नहीं पता तो उन्होंने मैं दस देव कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 ते मैसेज कर देना वा तो उन्होंने थानू जवाबी मैसेज आ जाएगा। एक दिन या दो दिन आ जाएगा, तो जिस दिन आवे उस तो अगले दिन तुम लाजमी वैक्सीन करवा जाओ, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी आ रहे हैं जेड़े किसी वजह तो उन्होंने मैसेज आ जाता वा वो जाते हैं वैक्सीनिंग करवा दो या तीन दिन बाद जाते हैं तो वैक्सीनिंग उन्होंने नहीं हो रही। तो इस मुश्किल तो बचने लिए बेहतर यही हाल है कि जिदन थानू मैसेज आवे उस अगले दिन तुम चले जाओ वैक्सीन करवाओ। जिन्हें एज 60 तो अबव आ उन्होंने तकरीबन जिस टाइम मैसेज करते हैं तकरीबन फोरन रिप्लाई आ जाता वा, उन्होंने फोरन टाइम दे दिता वा, एक कोड नंबर दे देंगे, वो कोड नंबर उत्थे जाके दसना पैंदा ते तुहाडी वैक्सीनिंग हो जाती है पहली डोज। दूसरी डोज का भी फिर मैसेज आ जाता तकरीबन 21 दिन बाद, 21 दिन बाद जाके दूसरी डोज करवाने पैंदी। तो जेडे 50 प्लस वा उन्होंने सम टाइम तो फोरन जवाब आ जाता, रिप्लाई आ जाता वा, थानू कोड मिल जाता वा, लेकिन सम टाइम लेट हो जाता वा। वाले साहब का भी असी पहले जो अप्लाई किया सीगा ते उन्हां दा तकरीबन एक हफ्ता सी वेट किया, नहीं आया कोई रिप्लाई। हफ्ते बाद दोबारा असी मैसेज किया ते फोरन आ गया। खानपुर के इलाके के जेडे बंदे आ उन्हां दी वैक्सीन जेड़ी आ सिविल होस्पिटल हो रही है, तो तकरीबन सुबह 10 बजे तो स्टार्ट कर देंगे वैक्सीनिंग करना, 4 बजे तक शाम को कर दिया वैक्सीनिंग। तो 4 बजे तो बाद टाइम खत्म हो जाता क्योंकि रमज़ान चल रहा वा। तो सैकेंड टाइम जरा स्टार्ट कर दिया अफतारी तो बाद फ्री हो गए तकरीबन, तुम 7:30 बजे का अंदाज़ा लगा लो, 7:30 बजे वैक्सीनिंग शुरू कर दिया। रात के 1 बजे तक का टाइम है जरा सैकेंड टाइम रात में वैक्सीनिंग करते हैं, तो बेहतर तो यही आ। तो जोड़े बंदे रोज़ा रखते हैं रोज़ा ना ही रखन, रोज़ा रख के क्योंकि उसे इंजैक्शन लाना कंडीशन का पता नहीं कितना होंगे वा, अगर दिल भी थोड़ा खराब होंगे तो इंसान को कुछ खाना पीना पैंता, बेहतर यही रोज़ा ना रखन। बाकी अल्लाह ताला अजर देता रोज़े का, मैं ये मना नहीं करता कि रोज़ा छोड़ना चाहिए वा, क्योंकि कुछ उलमा इकराम ने यह भी कहा वा कि अगर जोड़ा रोज़ा वा तो रोज़े की हालत के भी इंजैक्शन लवा सकते हो। जिहड़ा बंदा बेहतर समझदा अपनी आप की सेहत नूं ते वो अगर रोज़े की हालत लवा ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि रोज़ा तुसी ना रखो कि अगर थोड़ा इंसान की तबीयत निडाल हुंदी है तो कुछ खा पी ले, कोई मेडिसिन या उहदा कोई तदारक फौरन कर ले। हुण आपां रस्ते में जा रहे हैं तो हुण चलते हैं होस्पिटल की तरफ, तो जाके होस्पिटल की गल अपनी हुंदी है जी। तो आपां हुण तहसील हैडक्वार्टर हस्पताल खानपुर पहुँच चुके हैं। जी हाँ जी, तो जिदा तुम दस होस्पिटल जा रहे हैं वैक्सीन करवा ली है वाला साहब की, मैं उत्थे वीडियो इस तू नहीं बनाई, उत्थे जो वैक्सीनिंग कर रहे थे उत्थे सारे तकरीबन लेडीज़ सी, 95% लेडीज़ सी सिर्फ वैक्सीनिंग कर रहे थे, इस तू मैं मुनासिब नहीं समझा कि उत्थे वीडियो बनाना। बड़ा ही आसान जिहा तरीका उन्होंने रखा हुआ वैक्सीनिंग करवाने का, तुसीं जो जानते हैं तुहानू जिहड़ा एक कोड नंबर आया हुंदा मोबाइल नंबर तुहाडे उन्होंने सेंड किया हुंदा कंपनी ने, तुसीं उन्होंने वो कोड नंबर दसना हुंदा ते अपना शनाख्ती कार्ड देना हुंदा वा, उस शनाख्ती कार्ड तो टैली करदे आ तुहाडा कोड तस्दीक करदे कि वाकई इन्हां नूं मैसेज आया होया वा, ते उस नूं अपडेट भी कर दिंदे आ कि इस बंदे ने जिहड़ी पहली डोज आ उह लवा लई है। एक छोटी चेटी होंगी रसीद ही होंगी जिदा नाम, थोड़ा एड्रैस, थोड़ा शनाख्ती कार्ड नंबर,
ਕੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਤ ਠੀਕ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾੜੇ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ। ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਾ ਸੀਗਾ? ਰਵੱਈਆ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ? ਲੈਣ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਓ। ਲੈਣ ਮਾਰ ਆਓ, ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 10-12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ 10-12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, 10-12 ਦਿਨ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।